अकबर रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला। पीने का पानी रेलवे स्टेशन पर नदारद, शौचालयों में लटकता रहता है ताला। बैठने की नहीं है कोई व्यवस्था, समुचित व्यवस्थाओं प्लेटफार्म पर बकरी चराने वाले अपने आप पर भारी। छोटे बच्चे बेचते हैं मसाले की पुड़ियां। जीआरपी की तैनाती न होने के चलते स्थानीय लोग अक्सर घटना को देते हैं अंजाम। शौच के लिए महिलाओं को उठानी पड़ती है अनेक परेशानी। विभागीय अधिकारियों का नहीं है इस तरफ कोई ध्यान। अब देखना ये है अकबरगंज रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं कब तक हो पाती हैं ठीक। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। मैं भी आपका नंद किशोर जी, कहाँ सफर कर रहे हैं? मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। दिल्ली जा रहे हैं। ये अकबरगंज रेलवे स्टेशन पर जो व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था यहाँ पर है? दिक्कत है यहाँ पे, अगर शौचालय की माने तो उसमें भी दिक्कत है, और पानी वानी पीने की उसमें भी समस्या है, क्योंकि शौचालय में ताले वगैरह लगे हुए हैं तो असुविधा होती है। पानी पीने के लिए जो टोटी वगैरह है वो भी ख़राब पड़ी हुई है, उसमें कुछ लगा हुआ नहीं हो तो असुविधा तो होती है। बैठने का भी दिक्कत है, अगर बारिश वारिश होती है, देख रहे हैं आप मौसम भी वैसा ही है, तो दिक्कत है। बैठने के लिए भी दिक्कत है, काफ़ी सारी असुविधाएँ हैं यहाँ। अगर सफ़र करना है तो फिर दिक्कत उठानी पड़ती है। अकबरगंज रेलवे स्टेशन क्या अपेक्षा करेंगे आप? यही चाहेंगे कि सुविधाएँ अच्छी हों और जो भी असुविधाएँ हैं उनको दूर किया जाए।